काफी है, काफी है, बहुत ज्यादा है इनफैक्ट। ये देखो ये भी है। लाइफ इज अ वाइंडिंग रोड, आप देखो बोल रहे हैं। नो टेलिंग वेयर इट गोस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा हेलो एवरीवन सुनकर इधर सब लोग चुप हो गया। शांति बना लिया। हाँ अभी ब्लॉग में अम्मा ने अच्छा ग्रो देखो। हाँ अच्छा, अम्मा आने के बाद का पहला ब्लॉग है। अभी ये सेकंड थर्ड है ना? कल तो इन लोगों के लिए सोने का दिन था, पूरा दिन स्पेशली। अच्छा कल 12-1 बजे उठ गया अम्मा, तो वो बता दो स्टोरी, बता दो सबसे पहले। देखो इधर संतोष पापा मम्मी के लिए ने पापा बन चुका ऑलरेडी, उन्होंने खुद ने बनाया कॉफी, कॉफी पीती है सवेरे। हाँ और उनके लिए चाय, चाय बनाया मैंने, और उनको बहुत छोटा कप में चाय चाहिए, तो देखो छोटा कप दिया है। पापा को ये सब घर का कप सब देख रहे हैं ना, और डर लग रहा है। हाँ और कल का स्टोरी बता दो। कल मस्त है कि ये लोग सब आए रात को, खाना वाना खा के हम लोग जिस दिन मतलब 7 बजे आने का फ्लाइट था, लेट हो गया था। नहीं फ्लाइट तो लैंड सही में हुआ, लेकिन 2 घंटा लगा इमिग्रेशन क्यू से बाहर आने में, और उस प्रोसेस के बारे में भी बताना तुम। हाँ, वो बाद में बताना। फिर उसके बाद नहीं घर वर आए हम लोगों ने, फिर सब जाके सो गए। सो के सब इनका जो जेट लैग है उस हिसाब से अम्मा तो एकदम सवेरे 5 बजे एकदम उठ गई फर्स्ट क्लास, और साढ़े चार बजे उठकर वो भी फेस टाइम में सारे मतलब कजिन्स लोग, जितने भी कजिन्स लोग है, भाभी लोग है, सबको सुबह व्हाट्सएप वीडियो कॉल। हम लोग भी 5 बजे उठ गया क्योंकि अम्मा का मालूम नहीं है, इधर फैन मतलब थोड़ा सा आवाज भी वो मालूम नहीं है। हाँ, अच्छा एकदम वो था सवेरे एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ और अम्मा के फोन में कितना मिस्ड कॉल है, 72 मिस्ड कॉल, इतने सारे लोगों को बुला दिया उसके बाद भी 72 मिस्ड कॉल अलग अलग लोगों से, सोचो मतलब इतने रिलेटिव्स है हमारा। और क्या फिर क्या हुआ? फिर सब लोग उठ गए एकदम, मतलब 5 बजे से ही मैं और अंजू उठ के बैठे हुए। हाँ और उसके बाद और उसके बाद पापा तो 12-1 बजे उठकर आया, और उसके बाद लंच किया। लंच के बाद फिर से पापा मम्मी, मतलब दोपहर तक मम्मी को एकदम एनर्जी था, 3 बजे के बाद मम्मी डाउन हो गया, सोने के लिए गया, फिर रात को उठकर आए 11:30। ठंड भी है ना। और हमारा संतोष सर आज फिर से यूरोप ट्रिप के लिए जा रहे हैं, इधर उपमा बन रहे हैं, अंजू स्पेशल उपमा। और कुछ बता दो, बता क्या तुम बताओ। वो एयरपोर्ट में क्यों फंस गया वो प्रोसीजर के बारे में अभी बता दो, नहीं तो फिर भूल जाए। अगर जो भी ट्रैवल कर रहे हो आपके पेरेंट्स या कोई भी आ रहा है इंडिया से, तो उनको ये ध्यान रखना है कि उनका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के अंदर में नाम एग्जैक्टली मैचिंग द पासपोर्ट, जो पासपोर्ट के अंदर में नाम लिखा है एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा चीज़ है आपका पासपोर्ट नंबर। ये तीनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में जो इंडिया में बनता है। तो कई बार क्या होता है लोगों को ये पता नहीं होता है कि ट्रैवल करना है फ्यूचर में, तो जब वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें आधार कार्ड नंबर आ जाता है या कुछ और लिखा रहता है, कई बार तो नाम में चेंज हो जाता है, नाम ही जैसे ना फर्स्ट नेम लिखा रहता है या कुछ और लिखा रहता है, तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं होता है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम एट एयरपोर्ट। जब इंडिया एयरपोर्ट में चेक करते हैं ना आपका प्लेन में आपका चेक इन करने से पहले वो लोग चेक करते हैं, तो उस समय प्रॉब्लम हुआ। तो अभी पापा मम्मी के केस में क्या हुआ था कि उनका एज लिखा हुआ था लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं था, तो फिर उसके लिए फिर उनको एयरपोर्ट में फिर काफ़ी टाइम लगा, फिर एक लेडी थी उन्होंने हेल्प किया उसमें कि आरोग्य सेतु ऐप में जाके फिर से उन्होंने अपडेट करके फिर वो सर्टिफिकेट निकलवाया, तो उसमें टाइम लगा काफ़ी, और उसके टेंशन के चक्कर में मतलब सवेरे मेरे को 4:30 बजे कॉल आया कि भाई एयरपोर्ट से कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर मेरे को डेट टू टेस्ट भी बुक करना पड़ा कि पर फिर उन्होंने बोला कि हम इनको ऐसे वो करेंगे मतलब नॉन वैक्सीनेटेड टाइप ट्रीट करेंगे, तो नहीं वो सब बुक किया लेकिन फाइनली वैक्सीनेटेड करके ट्रीट किया क्योंकि वो फिक्स हो गया था प्रॉब्लम।
तो ये सब आप अवॉइड कर सकते हो अगर ये सब ध्यान रखना आप। वो है अभी दोनों बच्चे मस्त सो रहे है ना, खुशी तो एकदम मतलब पूरा दिन, कल मम्मी पापा सो रहे थे, खुशी को इतना प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पापा को उठाकर उसको सारा टॉय सब दिखाना था। हाँ, बीच बीच में जाकर डोर ओपन जाकर देख रहे हैं। और एक कुर्सी से देखो उधर देख रहे है ना, मतलब केरला का शॉप से है ना सब कुछ यूके में हमारे घर पे आ गया, मतलब इतना सारा बर्तन, अलग अलग टाइप का बर्तन, खाना पीना कपड़ा सब, मतलब अभी कोई शॉप में कुछ बचा है हम लोग को बिल्कुल मतलब अभी मेरे को लग रहा है कि मैं कम से कम 3-4 किलो और मोटा हो जाऊंगा जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एक तो अम्मा खाना बनाएगी और दूसरा ये लेके आए। कल क्या बोल रहे, कल मैंने मतलब सुबह ब्रेकफास्ट बना दिया और कुछ काम करने नहीं दिया और अम्मा को ना उससे ज्यादा थकावन हो गया, बोले कुछ काम करने के लिए नहीं है, काम नहीं किया तो ना बॉडी में थकावन हो रहे। आज फिर मैंने चाय बनाने का परमिशन दिया है, मतलब चाय नहीं अपना कॉफी बनाने का परमिशन दिया, वही कॉफी बना दिया तो थोड़ा एनर्जी आ गया अम्मा को, कल कॉफी भी संतोष ने बना दिया। ये शर्ट जो है मम्मी लेके आई है, देखो बहुत अच्छा है, अच्छे से सूट हो रहा है ना। हाँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। एक्चुअली ऐसा एक टी-शर्ट अंदर पहन के ऐसा एक ओपन शर्ट रखो, जींस अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है। वो भी लेके जाओ, वो ऑरेंज भी लेके जाओ, पर वाइट टी-शर्ट इन द ब्लू जॉर्डन ले नीलो टी-शर्ट पहन लेते थे। हाँ, वो भी पहन लो। हाँ, वो चुंगसी के लिए लेकर आया, लेकिन कोई दोनों का साइज एक ही है, चुंगसी और संतोष का साइज एक ही है। ब्लू इज बहुत बेटर, ये भी अच्छा है, लेकिन ब्लू ज्यादा सूट आ रहा है, लेकिन तू नल्ले ले। हाँ, ब्लू। हाँ, आपको इतना ये काफी है शर्ट, एक दो काफी है, ठीक है ना, काफी है, बहुत ज्यादा है इनफैक्ट। ये देखो ये भी है, काफी है, बहुत ज्यादा है। और ये वाइट शर्ट, वाइट एक दिन के लिए चाहिए, वो मेन अभी ये कौन सा पहन के जा रहा है, अभी एक टी-शर्ट ले लो, ये हाँ टी-शर्ट शटर है इसके अंदर, दो सेट, नहीं 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 एक ही काफी है, कौन सा चाहिए, हाँ वही वाला, ये वाला। हाँ, ये वाइट शर्ट भी, पापा को है ना आयरन करना, मतलब हाँ उनको बहुत वो है, पसंद है ये सब करके, मतलब पापा का अलमीरा में पापा का कपड़ा देखना, और एकदम एक्सपर्ट है इसमें, मतलब कड़क कड़क वैसा है, इसलिए मैं आयरन करना वो सब इतना पसंद नहीं आता है। पूछे मुझे बहुत बार पूछा है, मैं आयरन करूं, मैं आप बैठो, अरे अभी 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 आए और अभी सब काम ना, बहुत स्पेशली मम्मी को बहुत ठंड लग रही है क्योंकि लाइफ में पहली बार बोलो कोई ठंड जगह पे, मतलब उड़ीसा में जाते हैं वो, लेकिन गर्मी के टाइम में जाते हैं, केरल में भी हमें, केरला में भी कभी भी ठंड नहीं होता है ना, बॉम्बे का क्लाइमेट है केरला में। और अभी इस बार पहली बार मैं एकदम रिलैक्स हूँ क्योंकि संतोष जाने के बाद कोई तो है कंपनी। हाँ, तो अभी तुमको नीचे सोने की जरूरत नहीं है, नीचे इधर क्या हो रहा है देखते हैं। देखो दीदी से बात हो रहे, वो फोन देख कैमरा देख रहे ना, भाग जाएगी, उसको इतना कैमरा पसंद नहीं है, देखो। हाय हाय, देखो बोल रहे सुबह सुबह वीडियोग्राफर निकल गया। देखो इधर പച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, പച്ചടി ഉണ്ടാക്കി, അവന്റെ മെയിൻ സാധനം പച്ചടി, ഏതാ മുമ്പ देख आप दीदी को दिखा रहे, पापा का पैन दिखा रहे। दो, 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 दो,
खुशी इधर पूरा नानी लेकर आए, ये सब खुशी के लिए लेकर आया। लेकिन ये भी, ये गोल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये सब नानी का मतलब खुशी के लिए। और देखो ये बिंदी, ये भी है, और भी बहुत कुछ है ना खुशी। अब इधर है ना, पापा को डाउट हो रहा है ये पिक्चर में क्या है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मम्मी को लग रहा है इसमें एक सन्यासी बैठा है, मतलब कोई महर्षि बैठा है। पापा को बोल रहे, अगर पापा बोल रहे इमेजिनेशन करना है तो बाथरूम में जाकर, बाथरूम में बैठ, थोड़ा पानी डालने के बाद उसके सीरियल देख, कुछ ना कुछ रूप मिलेगा उसके। देख जिंसी को ये सब सुन गए, इतना हंसी आ रहा है। हंसी नहीं, वो उसको पूछो बराबर है वो। अम्मा को लग रहा है इसके अंदर कोई महर्षि बैठा है। अच्छा को लग रहा है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई बाथरूम में अगर बैठ कर है ना, This much part. बोलते है ना, push off the switch. चुंगसी इधर रेडी हो गया नाना जी को लेके बाहर जा रहे हैं। नाना जी, मम्मी का पापा को नाना जी बोलते हैं। हाँ, पापा का मुत्तच्छने दादाजी बोलते हैं। कॉफी पे मतलब चाय, एम्बुलेंस लेके जाएंगे, उधर से पापा को लंच चाय वो सब खिलाएंगे। तो बेटा बड़ा हो गया। और चुंगसी एक अच्छा है, एक दिन ये भी बोला है पप्पा को लेके मैं लंदन जाएंगे, लंदन पूरा दिखाएंगे, वही उसको दिखाना है सब कुछ। और अच्छा है ना, थक गया सब कुछ पहन कर रहा है ना। हेलो, रेडी होकर निकलने वाला था तब खुशी को भी जाना है, खुशी रेडी हो रहे हैं, उनका वेट हो रहा है इधर। मैं और अम्मा ही हो गए घर पे। खुशी हम लोग कुछ तुमसे पूछ रहे, हम दोनों क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारा बातें करेंगे। देख खुशी मैडम भी आ गया अभी। चुंगसी तुम जाकर दिखाना है एमएनएस में ओल्ड एज लोग, मतलब एजेड लोग कैसा है। अपर एज ना कर लो, எல்லாரும் வயசாயா இருக்காங்க. ஷவர் எங்கனா ஓலோ கேசர், மத்தலப் அப்னா டைம், ஹஸ்பண்ட் வைஃப் டைம் ஸ்பெண்ட் கர்த்தா ஹை, வோ சப் தேக்னே கா ஹை, மத்தலப் தேக்தே ரஹேங்கே வைசா ஹை. வாட் இஸ் திஸ்? பை அம்மி. பை.